अपनी मगरूरी में वो मुझे बेकरार कर रही है। मगरूरी कहते घमंड को। अपनी मगरूरी में वो मुझे बेकरार कर रही है, मोहब्बत तो उसे भी है, वो मेरे कहने का इंतजार कर रही है। तो कुछ शेर लिखे थे, उनसे शुरू करूंगा। कस्तूरी हिरण के बारे में यहाँ कितने लोग जानते हैं? जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूं कि उत्तराखंड में एक हिरण पाया जाता है जिसकी नाभि में बहुत बढ़िया खुशबू होती है कस्तूरी की, और वो पूरी जिंदगी उस खुशबू की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता है और उसे कभी वो खुशबू नहीं मिलती और उसे पता भी नहीं होता कि वो खुशबू उसके अंदर ही है। तो इस पर लिखा था कि तुझे क्या मालूम इन स्याह रातों में कोई तेरे लिए भी जागा होगा, तुझे क्या मालूम इन स्याह रातों में कोई तेरे लिए भी जागा होगा, कस्तूरी के पीछे वो हिरण कितनी शिद्दत से भागा होगा। तुझे क्या मालूम इन स्याह रातों में कोई तेरे लिए भी जागा होगा, कस्तूरी के पीछे वो हिरण कितनी शिद्दत से भागा होगा, कभी मोहब्बत आजमानी हो तो मेरे शहर चली आना, कभी मोहब्बत आजमानी हो तो मेरे शहर चली आना, यहाँ हर दरगाह में तेरे नाम का एक धागा होगा। कभी मोहब्बत आजमानी हो तो मेरे शहर चली आना, यहाँ हर दरगाह में तेरे नाम का एक धागा होगा। बहुत सुना था खुदा के बारे में मगर वो भी मजबूर है, बहुत सुना था खुदा के बारे में मगर वो भी मजबूर है, किस किस की सुनेगा तुझे कितनों ने मांगा होगा। कुछ और चीज है कि हाले दिल मैं बता भी दूं तो कोई क्या समझेगा, हाले दिल मैं बता भी दूं तो कोई क्या समझेगा, खुद को आशिक कहा तो रांझा क्या समझेगा। हाले दिल मैं बता भी दूं तो कोई क्या समझेगा, खुद को आशिक कहा तो रांझा क्या समझेगा, क्या ताल्लुक था उसकी आंखों का झीलों से कैसे बताऊं, क्या ताल्लुक था उसकी आंखों का झीलों से कैसे बताऊं, जो डूबा ही ना हो वो गहराई क्या समझेगा। क्या ताल्लुक था उसकी आंखों का झीलों से कैसे बताऊं, जो डूबा ही ना हो वो गहराई क्या समझेगा, थक जाता हूं मैं बदल बदल कर करवटे, थक जाता हूं मैं बदल बदल कर करवटे, रातें कितनी लंबी होती हैं मुझसे बेहतर कोई क्या समझेगा। एक और कुछ और शेर थे कि दिल उलझता नहीं मैं हंस के जुदा हो जाता, दिल उलझता नहीं मैं हंस के जुदा हो जाता, वो जुल्फें बांधे ही रखती तो क्या हो जाता। दिल उलझता नहीं मैं हंस के जुदा हो जाता, वो जुल्फें बांधे ही रखती तो क्या हो जाता, सच है कि इश्क करना कोई गुनाह नहीं है, सच है कि इश्क करना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह किया होता तो कब का रिहा हो जाता। सच है कि इश्क करना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह किया होता तो कब का रिहा हो जाता, ये इश्क है ताउम्र दिल में ही रहेगा, ये इश्क है ताउम्र दिल में ही रहेगा, कोई किस्सा होता तो फिर भी बयां हो जाता। ये इश्क है ताउम्र दिल में ही रहेगा, कोई किस्सा होता तो फिर भी बयां हो जाता। हिजर कहते हैं सेपरेशन को या बिछड़ने को। ये इश्क है ताउम्र दिल में ही रहेगा, कोई किस्सा होता तो फिर भी बयां हो जाता, हिजर होना जरूर इन लकीरों में लिखा होगा, हिजर होना जरूर इन लकीरों में लिखा होगा, वो तकदीर में होती तो पक्का सुलह हो जाता। और अभी भाई ने बताया कि आजकल प्यार के मतलब बदल गए हैं लोगों के लिए, तो इस पर मैंने भी लिखा था कि मोहब्बत का अब घर नया मतलब है, मोहब्बत का अब घर नया मतलब है तो उसके नजरें झुकाने का क्या मतलब है, मोहब्बत का अब घर नया मतलब है तो उसके नजरें झुकाने का क्या मतलब है, वो आकर किसी दिन गले से लगा ले तो ये इत्र लगाने का क्या मतलब है। और साकी कहते हैं जो शराब के पास रहता है शराब देता है जो बार टेंडर एक तरह से, तो वो आकर किसी दिन गले से लगा ले तो ये इत्र लगाने का क्या मतलब है, हमाना कि मैं साथ रहता हूं उसके, हमाना कि मैं साथ रहता हूं उसके, मुझे साकी बुलाने का क्या मतलब है,
हमाना कि मैं साथ रहता हूँ उसके, मुझे साकी बुलाने का क्या मतलब है, और महफिल में जब वो भी बैठी ही है तो ये मदिरा पिलाने का क्या मतलब है। और महफिल में जब वो भी बैठी ही है तो ये मदिरा पिलाने का क्या मतलब है। जो इश्क है तो इश्क होना बहुत है, काफी है इश्क होना, अगर इश्क है तो कोई, जो इश्क है तो इश्क होना बहुत है, ये मजहब बताने का क्या मतलब है। जो इश्क है तो इश्क होना बहुत है, ये मजहब बताने का क्या मतलब है। जो इश्क है तो इश्क होना बहुत है, ये मजहब बताने का क्या मतलब है, और अब भी वो मेरी मोहब्बत ना समझे तो ये गजलें सुनाने का क्या मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया।